बीवी का नाम है गीता बाली, लेकिन इससे पहले भी बीवियां रह चुकी है। शायद ये बात किसी को ना पता हो, लेकिन आज इस खास वीडियो में, खास प्रोग्राम में, जनता तक पे जब लोगों ने मिथुन के बर्थडे पर किए सवाल कि गीता बाली और आपके रिश्ते को कितने साल हो चुके हैं, आपने कभी गीता बाली को धोखा नहीं दिया, तब हम ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए कि जी हाँ, इनकी पहले भी दो शादियां हैं। गीता बाली के होते हुए भी एक शादी इन्होंने की थी। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। मिथुन चक्रवर्ती का इंडस्ट्री में बहुत लड़कियों के साथ रिलेशन रहा। जी हाँ, मिथुन ने हमेशा किसी किसी बात से सुर्खियां बिटोरी ही है। मिथुन और रिलेशनशिप पहले के टाइम पर आम थे। मिथुन का हर किसी लड़की पर दिल आ जाता था, और अगर उनको किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना है तो मिथुन ने इंटरव्यू में कहा था उसके लिए वो कुछ भी करते थे। वहीं आपको बता दें, मिथुन के लव लाइफ में बहुत लड़कियां रही, लेकिन शादी आखिर में उन्होंने गीता बाली से की, हालांकि वो गीता बाली को भी धोखा देने वाले थे। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उनकी दो बीवियों के बारे में, आखिर वो कहां हैं और मिथुन से धोखा खाने के बाद कैसे जिंदगी बिता रही हैं। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन दा जितना अपनी एक्टिंग को लेकर चर्चा में रहे, उतना ही उनके अफेयर्स ने सुर्खियां बटोरी। आज हम आपको इस वीडियो में मिथुन दा की तीन बीवियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। कोई नहीं जानता कि मिथुन ने तीन शादियां की थी। मिथुन ने इस बात को छुपा के रखा। शायद इसकी वजह यह है कि मिथुन नहीं चाहते थे ये बात किसी को पता चले, क्योंकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर हो और उनकी निजी जिंदगी वायरल ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दुनिया जानती है कि इनकी तीन शादियां हैं, लेकिन शायद आप ना जानते हो, क्योंकि ये वक्त और वो वक्त में बहुत फर्क है। आज हमारे जैसे यूथ सिर्फ मिथुन की पहली वाइफ जो कि आज मौजूद है, उन्हीं को जानती है। लेकिन आपको बता दें, इनकी दो और वाइफ थी। बता दें, मिथुन दा की पर्सनल लाइफ रहस्यों से भरी है। मिथुन दा ने पहले शादी की थी हेलना ल्यूक से। 70 के दशक में हेलना फैशन वर्ल्ड का जाना पहचाना नाम थी। कई फिल्म में वो साइड रोल के तौर पर नजर आई थी। हेलना से शादी करने से पहले मिथुन का सारिका ठाकुर से अफेयर था। उनसे ब्रेकअप के बाद मिथुन का दिल हेलना पर आया। वहीं हेलना का जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था। मिथुन और हेलना साथ में समय बिताने लगे थे। मिथुन हेलना के प्यार में पागल थे। एक इंटरव्यू में हेलना ने कहा था, मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक उन्हें शादी के लिए मनाया करते थे। वो हर दिन मुझसे मिलते थे। आखिरकार उन्होंने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। फिर बिना किसी को बताए 1979 में हमने शादी कर ली थी। शादी के वक्त हेलना की उम्र महज 21 साल की थी। दोनों की शादी सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। शादी टूटने की वजह मिथुन का योगिता से अफेयर था। साथ में एक इंटरव्यू में हेलना ने मिथुन से शादी टूटने की वजह बताई थी। हेलना ने कहा था, मिथुन एक घर में अपने 2 कजिन और 2 कुत्तों के साथ रहते थे। शादी के बाद मैं भी वहीं रहने लगी थी। मिथुन के दोनों कजन उनका पैसा खर्च करते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैंने जब मिथुन से उनके कजन को अलग करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वो जाना चाहती हैं तो चली जाए, लेकिन उनके कजन कहीं नहीं जाएंगे। वहीं शादी के बाद हेलना काफी परेशान हो गई थी। बाद में हेलना ने मिथुन से शादी की बात मीडिया के सामने बोल दी। मिथुन ने भी इससे इनकार नहीं किया। जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। हेलना ने कहा था कि आज तक मिथुन ने उन्हें 10 पैसे भी नहीं दिए थे। तलाक के बाद हेलना ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मिथुन को दिखाना चाहती थी कि वो भी एक एक्ट्रेस बन सकती हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। खबरों के मुताबिक हेलना अब न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई है और डेल्टा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही है। आज उनकी जिंदगी काफी नॉर्मल और मिडिल क्लास है। वहीं बात करें योगिता बाली से,
जी हाँ, उन्होंने योगिता बाली से दूसरी शादी की। मिथुन दा ने योगिता बाली से दूसरी शादी की। योगिता किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद वो दोनों अलग हो गए थे, जिसकी वजह थी मिथुन दा। योगिता का अफेयर मिथुन के साथ चल रहा था, इसलिए दोनों अलग हो गए। वहीं योगिता का अफेयर मिथुन के साथ चल रहा था, योगिता से शादी करने के बाद मिथुन दा का अफेयर श्री देवी के साथ चला। खबरों के मुताबिक दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी, जिसकी पुष्टि खुद मिथुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी। मिथुन की शादी की खबर सुनते ही योगिता ने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके कारण मिथुन को वापस योगिता के पास जाना पड़ा। वहीं मिथुन से धोखा खाने के बाद श्रीदेवी की नजदीकियां बोनी कपूर से बढ़ी, जो बात मिथुन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। श्रीदेवी मिथुन को कहती रही कि उनको अपना लो, लेकिन मिथुन ने श्रीदेवी को नहीं अपनाया, क्योंकि योगिता बाली और मिथुन का बेटा हो चुका था। वहीं इसी बीच मिथुन को समझ आया कि एक शादी पे टिके रहना ही सही है, क्योंकि पहले हेलन से भी उनका तलाक हो चुका था और ये बात सब जान चुके थे कि मिथुन की शादी हेलन से हो चुकी है। हालांकि मिथुन ने हेलन और अपने रिश्ते को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छुप नहीं पाया। वहीं योगिता बाली के करीब आने के बाद उन्होंने हेलन को धोखा दिया। वो फिर से यही गलती नहीं दोहराना चाहते थे। जी हाँ, वो गलती ये कि अब वो श्री देवी के नजदीक आ चुके थे। जब ये बात योगिता बाली को पता चली तो योगिता ने बहुत कलेश किया। उन्होंने कहा कि पहले तुमने हेलन को मेरे लिए धोखा दिया, अब तुम श्री देवी के लिए मुझे धोखा देने जा रहे हो। मैंने अपने पति किशोर कुमार को तुम्हारे लिए धोखा दिया। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। इस बार मिथुन चक्रवर्ती को अपनी इज्जत का ख्याल आ गया था। उनको चिंता हो गई थी कि कहीं वो बुरी तरह से बदनाम ना हो जाए, क्योंकि आपको बताते हेलन ने पहले कहा था कि हम अपने रिश्ते के बारे में, शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन जब हेलन को योगिता बाली के बारे में पता चला तो जाते जाते हेलन ने मिथुन को एक्सपोज कर दिया और अपनी शादी को सरेआम मीडिया के सामने बता दिया, जिसको मिथुन भी नकार नहीं पाए। वहीं यही वजह रही मिथुन को डर लग गया कि कहीं योगिता बाली श्रीदेवी और उनकी शादी को लेकर भी मीडिया में बातें ना कर दे। लेकिन ये मीडिया है, मीडिया को जल्द ही पता चल गया कि मिथुन और श्रीदेवी की शादी हुई है। वहां मिथुन को ये डर था कहीं श्रीदेवी सबको ना बता दे कि हम दोनों की शादी हुई है, लेकिन श्रीदेवी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल था। उन्होंने सबको यही कहा कि मिथुन और उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन सच ये है कि मिथुन ने श्रीदेवी से भी शादी की थी। जी हाँ, श्रीदेवी, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन श्रीदेवी भी उनकी बीवी ही थी, जिनको दोनों ने निग्लेक्ट करने की कोशिश की, मीडिया से छुपाया, क्योंकि श्रीदेवी भी एक जाना माना नाम थी, मिथुन चक्रवर्ती भी एक जाना माना नाम है। वहीं इसी वजह से दोनों नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता और ये शादी की बात आगे पता चले, लेकिन श्रीदेवी का दिल टूट चुका था पूरी तरह से। श्रीदेवी को किसी के सहारे की जरूरत थी। श्रीदेवी ने गुस्से में फैसला किया वो भी शादी करेंगी। बोनी कपूर उस समय श्रीदेवी के प्यार में थे, वो अपनी बीवी को छोड़ चुके थे, उनको श्रीदेवी से प्यार था। जी हाँ, बोनी कपूर की जिंदगी में उनको किसी की जरूरत थी। उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, हालांकि उनकी बीवी का निधन हो गया तब बोनी कपूर ने फैसला किया श्रीदेवी से शादी करने का, और श्रीदेवी भी बोनी कपूर से अट्रैक्ट होती गई। जानवी कपूर को लेकर वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उनको शादी करनी पड़ी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।